चलो ठीक है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज भैया, इसी की वजह से जिंदा है कि वो एक दूसरे को रिपेल करें। अगर मिक्स होते गए ना तो थोड़ी देर में बड़े हो जाएंगे और नीचे सस्पेंशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज, नेचर ऑफ दिस चार्ज इज द सेम ऑन ऑल पार्टिकल इन गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन। भैया सब पे सेम ही होता है, ये नहीं भाई तेरे पे पॉजिटिव मेरे पे नेगेटिव, तेरे पे पॉजिटिव मेरे पे नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। कोलाइडल पार्टिकल पे सब पे क्या होता है? सेम चार्ज है। ऑन ऑल द पार्टिकल इन ए गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बहुत अच्छा आपको बताया था हाइड्रोक्साइड, ये जैसे Fe याद है आपको, OH OH OH, समझने के लिए। तो यहां पर इस O की वजह से ऊपर क्या था, ऐसा लग रहा था, नहीं यहां पर Fe+3 पूरा घेरा हुआ था, और जो इसके साथ FeCl3 का Cl था, ये तो FeOH थी, FeCl3 का Cl था, वो क्या है, वो वाटर के साथ हाइड्रेटेड है। ऐसे H H H H, उसे मतलब ही नहीं है, वो तो किसी और के साथ फिक्स है, ठीक है, हाइड्रेटेड है, ये अलग है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। अपने आप में ये एक पूरी लेयर कौन सी कहलाएगा? ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड वाले सारे ऐसे ही होते हैं, कौन से होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड हाइड्रेटेड कौन से होंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड लाइक दिस एग्जाम्पल, पक्का। और जो भी हाइड्रोक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे? बेसिक ज्यादातर। तो बेसिक डाइस सारी की सारी ये हो गई, ऑक्साइड्स यही हो गए। हीलियम गैस अगर कोलाइडल बनाती है तो ऐसे ही बनाती है, खत्म। आ गया समझ में एग्जाम्पल कैसे सेलेक्ट किए मैंने? ओनली मेटल। अब मेटल के ऊपर क्या होगा, अपने आप में मेटल्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा कहीं ना कहीं। कोलाइडल वो कैसा बनाएगा मेटल? नेगेटिव। तो सोचना मेटल के ऊपर पॉजिटिव होता है तो वो क्या बनाते हैं? नेगेटिव। और मेटल हाइड्रोक्साइड में OH जो ऊपर है वो क्या है? O है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो वो क्या बनाएंगे उल्टा? पॉजिटिव। ऐसे समझ लो, आ गई बात समझ। एसिडिक डाइस पता ही चल रहा है, एसिडिक डाइस वो बेसिक डाइस है तो वो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सॉल्ट्स जितने भी ये अपने ऑर्गेनिक है, जेल जिलेटिन क्ले चारकोल गम, दुनिया भर के ऑर्गेनिक, ये सब क्या है? नेगेटिव। याद हो गए, यही याद हो गए। तो बताओ Fe2O3XH2O कौन सा सॉल्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। TiO2 कौन सा सॉल्ट है? पॉजिटिव। चलो याद हो गया, तुम्हें इंटेलिजेंट हो, तो कहीं पे भी याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बेटा, एसिडिक डाइस में वैसे देखा जाए, इसको छोड़ो, डाइस में इओसीन करके कोई होता है कंपाउंड जो हमारे लिए है। कोगुलेशन में पहले ही बता चुका हूं, डेस्टाबिलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी आपका जो भी कोलाइडल है उसमें से ऑब्वियसली उसमें दो पॉइंट होंगे, डिस्पर्स मीडियम होगा और एक डिस्पर्स फेस होगा, उसे अलग करना, डिस्पर्स मीडियम को हटा देना या डिस्पर्स फेस को हटा देना डिस्पर्स मीडियम में से, ये हमारे लिए कोगुलेशन हो गया। लेकिन अगर आपका कोलाइडल ऐसा है जिसमें दोनों लिक्विड है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? इमल्शन। जैसे ऑयल वाटर, या अपन बहुत अच्छा सा ले सकते हैं हमारा मिल्क, मिल्क क्या है एक तरह से हमारे लिए, ऑयल ही बोलेंगे, या घी को घी बोल देते हैं, घी और बटर, या बटर और वाटर का मिक्सचर है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? अलग करना। इस जगह हम क्या बोल देते हैं, स्पेशल एक वर्ड ले सकते हैं और वो है फ्लोकुलेशंस। तो मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोकुलेशन हो या कोगुलेशंस हो, बस अलग अलग जगह बोले जा रहे हैं, बाकी मीनिंग एक जैसा निकल रहा है। तो कैसे करेंगे? हीटिंग, जनरल कोगुलेशन, हीटिंग, कोगुलेशन ऑफ बटर, आप बटर को गर्म करो, गर्म करते हैं उसमें से घी जो होगा वो अलग निकल जाएगा और जो हार्ड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, आप उससे बाद में अलग यूज कर सकते हो, पनीर वनीर की तरह यूज कर सकते हो, पनीर बन सकता है उससे। कूलिंग सिंपल सा यार, दूध को इतना ठंडा कर दो कि उसमें से जो फैट वाली चीज है, फैट ऑब्वियसली घी है, वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, अलग हो गया। एक्सप्लोजर ऑफ लाइट, लाइट में रख दो थोड़े दिन के लिए, अपने आप वो कोगुलेटेड अलग हो जाएगा, और या तो वो हार्ड हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार
सॉफ्ट चीजें होती है जो कोलाइडल होती है वो हार्ड हो जाती है. मैकेनिकल प्रोसेस, भैया इतनी तेज मूवमेंट करो कि है ना दूध में से बटर अलग निकल जाए और वाटर अलग हो जाए, मैकेनिकल सेपरेशन भी हो सकता है. फास्ट प्रोसेस है बटर निकालने का, शटाशट, सही है. और डायलिसिस, डायलिसिस करके भी अलग कर सकते हो, क्योंकि डायलिसिस में नॉर्मल जो आपका क्या कहते हैं कोलाइड, हम जो बोलते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, तो फेज तो मीडियम तो निकल जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में से, लेकिन जो डिस्पर्स मीडियम है वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में से क्या हो जाएगा, वो रोक लेता है. तो कहीं ना कहीं आप उसको छान ही रहे हो, लेकिन एसपीएम में छान रहे हो डायलिसिस में. जैसे हमारे किडनी में होता है, किडनी में क्या होता है खून जा रहा है, बहुत गंदा खून होता है किसी का, तो वो खून क्या हो रहा है एक तरह से साफ कर देता है और गंदा पानी बाहर यूरिन के थ्रू निकल जाता है, यूरिनी के थ्रू नहीं यूरिन ही निकल जाता है, ठीक है ना, निकल गया. तो म्यूचुअल कॉगुलेशन कई बार क्या होता है, एक कोलाइडल पॉजिटिव एक नेगेटिव है सपोज, उनको आपस में मिलाओगे तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, म्यूचुअल कॉगुलेटेड है, न्यूट्रल हो ही जाएंगे, यानी आपस में थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, जम जाएंगे. कुछ भी समझ लीजिए, आपने एशियन पेंट का डब्बा खरीदा, जब तक डब्बा क्लोज है तब तक वो लिक्विड है, खुला छोड़ दो एयर में इतने डस्ट पार्टिकल है, अपोजिट पार्टिकल आते ही उसको क्या करेंगे, सुखा देंगे, थोड़ी देर में वो न्यूट्रल हो गया, सॉलिड हो जाएगा, पूरा पेंट ऐसा डब्बा हो जाएगा बिल्कुल सॉलिड, कि अब वो कुछ भी नहीं हुआ, पत्थर हो गया वो, नुकसान. और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला दो बस खत्म, अपने आप वो फटाफट, ये तो बहुत फास्ट प्रोसेस है किसी को भी प्रेसिपिटेट करने का. यानी आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पॉजिटिव सॉल है, पॉजिटिव सॉल का मतलब कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर कौन हो जाएगा, नेगेटिव आयन आके अटैच करेगा और क्या कर देगा, इस जगह पीपीटी बना देगा या सस्पेंशन बोल दो आप. और अगर नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव आयन तो सस्पेंशन. तो आप मेरे को बताओ कोई भी मेटल ऑक्साइड है या हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्या लगता है किस तरह का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. तो उसको कौन सस्पेंशन में लाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आयन. नेगेटिव आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही वो इफेक्टिव होगा. यानी कि कहीं ना कहीं हम यहां पर बात कर सकते हैं कि कितना आसानी से वो दे सकता है, कॉगुलेट कर सकता है, तो वो किस पे आएगा, उसकी वैलेंसी पे. तो किसने कहा था, ये हार्डी शुल्जे रूल ने क्या कहा था, हम लिखते हैं, पहले ये उतारो जल्दी से और हेडिंग डाल लो हार्डी शुल्जे रूल. तो मैं आपके साथ फिर हूं, हार्डी शुल्जे रूल क्या कहता है, जो लास्ट पॉइंट था उसी को आगे लेते हुए चल रहे हैं. हार्डी शुल्जे ये कहता है पहले कोलाइडल देखो, आपने देख लिया कोलाइडल, देखो कोलाइडल देखने पे आपको पता चला ये पॉजिटिव है या आपको पता चला ये नेगेटिव है, दो ही चीजें होगी. अगर कोलाइडल पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोलाइडल है आपके पास, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे यही पता चल रहा है. इसमें आपको क्या मिलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रोलाइट में आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं है, नेगेटिव आयन का काम है, नेगेटिव आयन मिलाना पड़ेगा. तो पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट आयन एक दूसरे से किसमें चेंज हो जाएंगे, सस्पेंशन में. तो जब ये सस्पेंशन में चेंज हो जाएंगे तो यहां जो नेगेटिव आयन की क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो मिलानी चाहिए, जैसे ये पूरा कोलाइडल किसमें चेंज हो जाए, सस्पेंशन में, तो मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी को हम बोलेंगे कोगुलेटेड वैल्यू, वैल्यू क्या बोलेंगे, कोगुलेटेड वैल्यू, सही है. तो कोगुलेटेड वैल्यू आपको ये क्लियर हो गई, और कोगुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब आपका वो इफेक्टिव नहीं है. तो कहीं ना कहीं कोगुलेटेड पावर प्रोपोर्शनल होगी 1/ कोगुलेटेड वैल्यू,
और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी चार्ज या वैलेंसी, या आप ये बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल, वैलेंसी ऑफ आयन इसके लिए किस पे, एनायन पे। कैटायन पे क्या चार्ज है उससे मुझे मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही मतलब नहीं है। अगर सब में कैटायन सेम है, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो एनायन कैटायन सेम है तो मुझे कैटायन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और कैटायन वेरी कर रहा है और एनायन सेम है तो भी कोई सेम रहेगा। बोलो यस और नो। कुल मिला के एनायन से मतलब है यहाँ पर। अब नेगेटिव सॉल है, नेगेटिव कोलाइडल है इसका मतलब, तो अब आपको कौन मिलाना पड़ेगा, पॉजिटिव आयन मिलाना पड़ेगा और वो सस्पेंशन में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट वो की वही डेफिनेशन है। तो इसके लिए कोई भी एक एग्जांपल बताओ जो पॉजिटिव कोलाइडल है। हाइड्रोक्साइड बहुत सारे ले सकते हैं, आपके हिसाब से मेटल TiO2 ले लिया आपने, TiO2 अपने आप में कैसा कोलाइडल है, पॉजिटिव कोलाइडल, ठीक है, पॉजिटिव कोलाइडल, बोलो यस और नो। तो जैसे ये पॉजिटिव कोलाइडल है, इसके अंदर आपने NaCl मिलाया, समझना, दूसरा आपने मिलाया Na2, किसकी जरूरत है हमें, नेगेटिव आयन की, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें वहां नेगेटिव है, Na2SO4 और फिर Na3PO4। मान लीजिए इसके x ग्राम चाहिए आपको, यहां y ग्राम चाहिए और यहां z ग्राम चाहिए रहेगा, तो आप मुझे बताओ x y z में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, बिल्कुल, तो यानी x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन z, पहली चीज। दूसरी चीज मान लीजिए इसकी पावर, पावर ए है, ए पावर पावर है, और इसकी बी पावर है और इसकी सी पावर है, तो ए बी सी में कौन ज्यादा होगा, तो ये तो वैल्यू को शो कर रहा है, कॉगुलेटेड वैल्यू, और ये किसको बता रहा है, कॉगुलेटेड पावर। लेकिन यही सॉल्ट अगर मैं एनायन वाले के लिए लेता, एनायन कोलाइडल के लिए, तो सभी के लिए वैल्यू क्या आ जाती, सेम, क्योंकि कैटायन पे चार्ज सेम है, वो अलग पॉइंट आ गया, लेकिन अभी तो अपन एनायन से कंपेयर कर रहे हैं। ये बात किसने बताया, हाडे शोल्जे ने, ठीक है आपको समझ में आ गया, लिखो फिर। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराना चाहता हूं कि भाई इसने ये कैसे पता लगाया था, जो इसने हार्डी शोल्जे, भाई कोई भी थ्योरी देते हैं, एक ने थ्योरी दी, एक एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव कर रहा है। इसने कहा ये ले लो आप आर्सेनिक सल्फाइड As2S3, कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है, पूरा येलो कलर का कोलाइडल है, सही है, कोलाइडल है, किस तरह का है, येलो कलर का। अब सुइटेबल क्वांटिटी मिलाओ FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन फेरिक जो होता है ना वो आप मुझसे पूछोगे तो ब्राउन, रेडिश ब्राउन तरह का होगा, तो कलर थोड़ा सा कई बार उठपटांग हो जाते हैं, ध्यान रखना, तो ये रेडिश हो गया मेरे पास, दोनों मिला दिए, ये अपने आप में अलग कोलाइडल, ये अपने में आप में आयन, ठीक है ना, अलग कोलाइडल, एक रेड है एक येलो है। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं मैं, ये सस्पेंशन हो गया, अलग हो गया, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, और ये हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया, कलरलेस, चमत्कार हो गया, तो कि एक येलो में रेडिश मिलाया और कलरलेस बन गया, सही है, और तो और पानी भी साफ हो गया, पी सकते हो आप।
प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल यानी कोलाइडल को बचाना है अपन को, किससे? सस्पेंशन होने से, इलेक्ट्रोलाइट से बचाना है। तो कैसे? हमें इतना मालूम था कि ये मेरे पास कोलाइडल दो तरह से थे, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है, लायोफोबिक कोलाइडल, पक्का? इसमें आप क्या मिला रहे हो? अगर लायोफोबिक कोलाइडल है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सस्पेंशन में हो जाएगा। लेकिन अगर लायोफोबिक में, फोबिक में लायोफिलिक, लायोफोबिक में लायोफिलिक मिला रहे हो यानी दोनों का मिक्सचर ले रहे हो, तो स्मॉल क्वांटिटी मिला रहे हो, ज्यादा नहीं इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया प्रोटेक्शन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कौन अच्छा प्रोटेक्ट करेगा कौन अच्छा प्रोटेक्ट नहीं करेगा? दो चीजें हो गई कि प्रोटेक्ट कौन अच्छा करेगा कौन नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने गोल्ड नंबर करके एक टर्म ली, गोल्ड नंबर। आप जानते हो गोल्ड अपने आप में क्या है? गोल्ड सॉल अपने आप में कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव सॉल, सही है। आपने इसको पहले क्या मिला दिया, जैसे आपने सपोज स्टार्च मिला दिया मिनिमम क्वांटिटी, बस सिर्फ बचाना है, इन दोनों को मिलाया, कितना मिलाया वो अपना जरूरी है। तो इससे जो नया कोलाइडल होगा, अब कोलाइडल जो बना है वो कौन सा है, एक तरह से लायोफोबिक लायोफिलिक, ये फोबिक है और ये फिलिक है। जेल स्टार जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वो फिलिक होते हैं, तो लायोफोबिक लायोफिलिक अभी भी कोलाइडल है और हम ये चाहते हैं मिनिमम क्वांटिटी में लानी है। इतनी मिलानी है कि इसके अंदर अगर आपने Na प्लस मिलाया अब तो वो सस्पेंशन में चेंज ना हो। तो ये हमारे लिए क्या लाएगा, गोल्ड नंबर। अगर गोल्ड की जगह प्लेटिनम रखते तो प्लेटिनम नंबर। तो मुझे क्या चाहिए, इसकी क्वांटिटी फिक्स करनी है, इसकी क्वांटिटी फिक्स करनी है बस, और Na प्लस क्वांटिटी किससे बचाना है उसकी क्वांटिटी फिक्स करनी है। इसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं रखनी है, इसकी क्वांटिटी तो मिलीग्राम में आ जाएगी बस, W मिलीग्राम। तो वो जो W मिलीग्राम में आएगा ना वही सीधा गोल्ड नंबर हो जाएगा। इन दोनों की क्वांटिटी फिक्स रखनी है बस, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने। सही है, तो हम इसकी क्वांटिटी तो लेंगे, फिक्स कर लिया हमने 10 ml, कितना ले लिया 10 ml, जो जिसे हमें बचाना है वो है हमारे पास 1 ml ऑफ 1% NaCl एक्वास। तो बताओ NaCl के एक तरह से होंगे कितने से मोल, 10 ml 1%, तो 10 ml का अप्रोक्सीमेट 10 ग्राम ही हो गया, पक्का? पानी 10 ml नहीं, सॉरी 1 ml 1 ग्राम ही हो गया, पानी में इतना कम नमक है तो डेंसिटी 1 ही रह जाती है, 1 ml 1 ग्राम और उसका 1%, तो इसका मतलब 0.01 ग्राम नमक है बस, पानी में घोल के रखना है 0.01 ग्राम यानी 10 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम में देखो 10 मिलीग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 10 मिलीग्राम, आइडिया से बोल रहा हूँ,
एक्चुअल डेफिनेशन तो ये कितना है 10 ml गोल्ड सॉल्ट, ये कितना ना है W मिलीग्राम, हर चीज मिलीग्राम में चल रही है, बचा सही है, कोई डाउट समझने में? तो अगर किसी का गोल्ड नंबर 0.001 ये वैल्यू, सपोज कभी करा क्वेश्चन और ये वैल्यू आ गई मेरे लिए स्टार्च के लिए, ये आती है 0.001, एग्जैक्ट वैल्यू मैं बताता हूं आपको, स्टार्च के लिए आती है 0.001 से 0.005, नहीं जिलेटिन के लिए आती है, आप स्टार्च की जगह जिलेटिन ले लोगे तो 0.01, तो बताओ इसका गोल्ड नंबर कितना होगा 10, बोलो यस और नो, 0.01 से लेके 0.005 तक चली जाती है, तो 0.001 भी होता तो, अगर 0.001 होती इसकी क्वांटिटी तो क्या होता 1, वो तो पता चलता है जिलेटिन कितना बड़ा है, कितने ओएच हैं, बहुत सारे फर्क है, एक ही तरह सा जेल थोड़ी ना आता है, जेल भी बहुत सारे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए आप मुझे कि प्रोटेक्शन के लिए जितनी ज्यादा क्वांटिटी आपको लायोफिलिक की चाहिए, जितनी ज्यादा लायोफिलिक की चाहिए क्वांटिटी, लायोफिलिक उतना ही ज्यादा उसकी प्रोटेक्शन पावर होगी या कम होगी? कम होगी। तो लायोफिलिक सॉल जो होता है सॉल की क्वांटिटी, क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, मुझे बताओ गोल्ड नंबर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी प्रोटेक्शन पावर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? तो मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। लायोफिलिक जितने भी ये अपन ले रहे हैं जनरली वो कौन से ले रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल, और ऑर्गेनिक सॉल अपने आप में क्या है नेगेटिव, और गोल्ड सॉल भी अपने आप में क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल तो नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई और ले लिया होता गोल्ड की जगह, आपने सोच लिया होगा प्लेटिनम, तो भी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल लो, मेटल सॉल क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन अगर आपने मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड ले लिया फिर तो वो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बचाने इससे जा रहे हो यही मार देगा, तो फिर प्रोटेक्शन पावर नहीं रहेगी, कोगुलेशन वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? उल्टा चलेगा, फिर वो कोगुलेशन पावर हो जाएगी या कोगुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यहां हमारे पास प्रोटेक्शन पावर उतनी ही क्या हो जाएगी, इस जगह इस रेशियो में चलेगा, ये ज्यादा गोल्ड नंबर ज्यादा, प्रोटेक्शन पावर कम। तो एक तरह से गोल्ड नंबर और कोगुलेशन कोगुलेशन वैल्यू में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, दोनों क्वांटिटी को बताते हैं, ये सिमिलरिटी है, एक मारने वाले की एबिलिटी को बताता है, एक बचाने वाले की एबिलिटी को बताता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस है। बोला अच्छे समझ में आ गया ये टॉपिक? अगर हमने गोल्ड की जगह कोई और सॉल ले लिया, या तो मेटल सॉल ही ले सकते हो, लेकिन अगर आपने कॉन्गो ले लिया, कॉन्गो डाई जो होती है, या कॉन्गो सॉल बोलते हो गया, वो ले लिया लायोफिलिक, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव मिलाओगे बचाने के लिए, पॉजिटिव मिला दोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोलाइडल बन गया। अब इसको NaCl से बचाना है तो आप क्या बोलोगे, कॉन्गो नंबर बोल दोगे, गोल्ड नंबर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, कॉन्गो नंबर। तो कॉन्गो नंबर अपने आप में क्या चीज बताता है, प्रोटेक्शन वैल्यू को बताता है, प्रोटेक्शन पावर को बताता है। समझ में आ रही है बात? तो कभी एकदम से पूछा कॉन्गो नंबर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, समझ में नहीं आता ये है कहाँ का नंबर, समझ में आ रहा है? तो कॉन्गो नंबर भी अपने आप में किसको बताता है, प्रोटेक्शन पावर ऑफ कोलाइडल सॉल। समझ में आ गया बात? पहले तो नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगता है कोऑर्डिनेट नंबर की जगह कॉन्गो नंबर डाल दिया, टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती। कोई समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर है पूरा अच्छे से?